दोस्तों कितना अच्छा हो जाए अगर हम जो भी चीजें खाएं वो पूरी तरह से पच जाए और हमारे शरीर में लग जाए। प्रॉब्लम वहां पे आती है जब हम अच्छी डाइट तो लेते हैं लेकिन हमारी बॉडी नहीं बन पाती है, वजन नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आपका डाइजेशन गड़बड़ होता है। आप जो खाते हो वो सही से पचता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो आपके शरीर में कैसे लगेगा। और इसीलिए आज का मैं वीडियो बना रहा हूं। आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको आप जैसे ही करना शुरू करोगे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, जो जो चीज खाओगे सही से आपके शरीर में लगेगा, आपके वजन बढ़ाने में, बॉडी बनाने में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने टिप पे आते हैं। आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो, आप लोग जब भी खाना खाने वाले होते हो तो खाना खाने से 30 मिनट पहले, एक घंटे पहले आप लोग ठंडा पानी पीते हो, या बहुत सारे लोग खाना खाते समय भी ठंडा पानी पीते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए ठंडा पानी पीने से होता क्या है, हमारी जो अतड़ियां होती हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारा जो पेट, हमारा जो बेली स्टमक होता है वो सिकुड़ जाता है, और फिर उसके बाद जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना ज्यादा जगह नहीं पाता है पेट में, जिसकी वजह से वो घूम नहीं पाता है, सही से एसिड में मिल नहीं पाता है और सही से नहीं पच पाता है, तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या ब्लोटिंग जिसमें आपका पेट फूला रहता है वो दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पेट सही रहे, डाइजेशन सही रहे, तो आप लोग हल्के गर्म पानी को, हल्के गुनगुने पानी को खाना खाने से पहले पिया कीजिए, ठंडे पानी को कभी भी मत पिया कीजिए, तो आपका पेट सही रहेगा और आपका डाइजेशन भी काफी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अपने दूसरी टिप की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट टिप है। जब आप खाना खा चुके हो तो खाना जस्ट खत्म करने के बाद में आपको थोड़ी सी अजवाइन या फिर थोड़ा सा जीरा अपने मुंह में रख के और धीरे धीरे उसको चबाना है और लार के साथ में पेट के अंदर करना है, मतलब धीरे धीरे चबाना है और धीरे धीरे ही अंदर उसको पेट में अपने डालना है, धीरे धीरे खाना है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा और जो आपने खाना खाया है उसे पचने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जो आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आते हैं अपने टिप नंबर 3 पे जो कि है क्लीन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है जो हमारी छोटी इंटेस्टाइन होती है इसमें हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है, मतलब पहले जब हम खाना खाते हैं वो पचता है, उसके बाद उसे हमारा शरीर सोखता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सोखा जाता है। लेकिन अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन साफ नहीं होगी तो आपका खाना सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैसे साफ रखना है उसको, अगर आप लोग सुबह सुबह उठ के हल्का सा गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते हो तो इससे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है, जो आपके खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं अपनी अगली टिप पे। आप लोगों से मैंने बहुत बार ये बात कही है कि अगर आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा देंगे तो आपका खाना काफी अच्छे से पचेगा और आपके पेट के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। तो आप लोग बहुत सारे फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप लोग कपिवा का डाइजेस्टिव फाइबर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये करता क्या है मैं आपको ये बता दूं, ये एक तरह का डाइजेस्टिव फाइबर होता है। अब फाइबर जब आपके पेट में जाएगा तो आप जो भी चीजें खाओगे वो सही से डाइजेस्ट होगी, आपके डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अब ये बनता किससे है, इसमें चिकोरी रूट फाइबर, ओट फाइबर, गोंद और त्रिफला, ये सारी चीजें इसमें मिली होती हैं एज अ फाइबर, मतलब फाइबर के रूप में मिली होती हैं, तो आपके पेट में जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको भी बढ़ाने में ये मदद करता है, आपके पेट में जो गुड बैक्टीरिया है उनको बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति काफी तेजी से बढ़ जाती है। ये दो फ्लेवर्स में आता है, आपको ये मिल जाएगा आम पन्ना फ्लेवर में और आपको केसर बादाम फ्लेवर में मिल जाएगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपने आम पन्ना फ्लेवर लिया है तो आपको हल्के नॉर्मल पानी में या हल्के गुनगुने पानी में आप लोग को एक पाउच फाड़ना है, बहुत सारे पाउच होंगे, एक पाउच फाड़ना है, उसको 100 ग्राम पानी में डाल के और मिला के पी जाना है। और अगर आप लोग इसका केसर बादाम फ्लेवर लेते हो तो उसको आप लोग हल्के गुनगुने दूध में या नॉर्मल दूध भी, हल्का ठंडा दूध भी ले सकते हो, उसमें आप लोग को एक पाउच फाड़ के डालना है और पी जाना है। जो केसर बादाम फ्लेवर है हल्का मीठा लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि इसमें आप लोग को जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो बिल्कुल नहीं मिलता है, नेचुरल स्वीटनर स्टीविया का इस्तेमाल किया गया है, तो आपके हेल्थ के लिए भी ये काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब ये चीज आप जैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे आपका डाइजेशन ठीक होने लगेगा, जो भी चीजें खाओगे वो सही से पचने लगेगी। आप लोग को चेक करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके एक बार आप लोग इसे जरूर चेक कर लेना।
उसके बाद नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपको मैं कुछ ऐसे फूड्स बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल हटा देना है। अगर आप ये खाना छोड़ दोगे तो आपके पेट अपने आप सही होने लगेगा, आपका डाइजेशन सही होने लगेगा, प्रोबायोटिक्स बढ़ने लगेंगे। कौन कौन सा खाना है? स्पाइसी खाना जैसे अचार या इस टाइप की चीजें जिसमें ज्यादा मसाला पड़ा हो, वो खाना आपको नहीं खाना है। फास्ट फूड हो गया, पिज्जा बर्गर, ये सारी चीजें नहीं खाना है। उसके साथ में प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट में फूड आता है, जैसे चिप्स हो गया या कुरकुरे या इस टाइप की चीजें, नमकीन जो पैकेट में बंद आती है, वो आपको नहीं खाना है। उसके साथ में फैटी फूड जैसे घी हो गया या फिर आपका मक्खन हो गया, ये आपको तब तक नहीं खाना है जब तक आपकी पाचन शक्ति सही नहीं हो जाती है, आपका पेट का डाइजेशन नहीं सही हो जाता है, तब तक आपको घी, मक्खन, इस टाइप की चीजें, चिकनी चीजें नहीं खानी है। जब आप लोग कुछ दिन के लिए इन सब चीजों को छोड़ दोगे तो इसमें होगा क्या कि आपका पेट सही हो जाएगा। जब एक बार पेट मजबूत हो जाएगा, डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप जो भी चीजें खाओगे वो आसानी से आपकी पच जाएंगी। दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो आप जैसे ही आजमाना शुरू करोगे आप देखोगे आपके पेट में काफी अच्छा लगेगा आपको और आपका डाइजेशन सही हो जाएगा, जो भी चीजें खाओगे अच्छे से पचेंगी। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।